दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। आज हम बात करेंगे बारबर्ड वायर बिजनेस की। ये जो बिजनेस है दोस्तों, इसे बाढ़ की तार कहते हैं, जिसे किसान अपने खेतों के चारों तरफ बाउंड्री करने के लिए, जानवरों से या दूसरी चीजों से बचाने के लिए यूज करते हैं। और इस बिजनेस से आप आराम से महीने में 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। आपको इसमें कैसे मार्केट करनी है, कैसे बेचना है, कहां से आपको मशीन मिलेगी, कैसे मशीन काम करेगी और कैसे आपका माल बिकेगा, कहां कहां आप सप्लाई कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आप पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे यहाँ सब्सक्राइब की बटन पे क्लिक कीजिए और इसके आगे जो घंटी है इसे बजा दीजिए। ये जो मशीन आप देख रहे हैं दोस्तों, बारबर्ड वायर मशीन है। इसमें बाढ़ की तार बनती है, जो नीचे चार रोल रखे हुए हैं, इन्हें GI वायर कहते हैं। ये वायर के रोल आते हैं जिनसे तार बनाई जाती है, और ये जो बेचते हैं इसे किलो के हिसाब से बेचा जाता है। इसमें तार बन के निकल रही है और आगे इसमें अपने आप ये रोल हो जाती है, घूम जाती है इसमें जाके। इसे आप छोटी जगह पर कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्पेस आपको नहीं चाहिए होता है, छोटे जगह पर भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 15x15 फुट का कमरा आपके लिए काफी रहेगा अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो। इसमें आगे जाके अपने आप रोल बन के इसमें से निकल जाता है दोस्तों। सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक होगा, आपको सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करना है और जो रोल है वो इसके अंदर लगा देने हैं। ये देखिए, ऑटोमेटिकली आगे जाके रोल बन के इसका तैयार हो जाता है। अलग अलग कैटेगरी के रोल आते हैं, वेट सबका अलग अलग होता है, वो आप अपने हिसाब से जिस हिसाब से सेल करना चाहते हैं उतने किलो का इसमें बना सकते हैं। 25 किलो, 30 किलो, 27 किलो, 28 किलो, जितने भी आप रोल बनाना चाहते हैं उतने का बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो बारबर्ड वायर है इसे सेल करने का तरीका क्या है। इसके लिए दोस्तों जो फॉर्मूला सभी कंपनियां इस्तेमाल करती है वो ये है कि हर शहर के अंदर होलसेलर होते हैं जो बारबर्ड वायर को सेल करते हैं। आपको क्या करना है, उनसे कॉन्टेक्ट करना है, उनको सर्च करना है शहरों में। आपको अपने आसपास का लगभग 150 से 200 किलोमीटर का एरिया पकड़ना है और वहां पे जाके आपको उनसे डीलिंग करनी है। डीलिंग करने के बाद में उनको जो सप्लाई देने का तरीका है, आप कोई भी जो ये सप्लाई के लिए पिकअप वगैरह होती है उनसे टाई अप कर सकते हैं। पिकअप के लिए जो गाड़ियां होती है, पिकअप जैसी, उनसे टाई अप करके और उनसे पर किलोमीटर के हिसाब से उनको हायर कर सकते हैं। उसके बाद में उनको आप जो आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव है, आप खुद है, आप जाके होलसेलर से डील करेंगे और जो प्रॉफिट आता है पर रोल के ऊपर, प्रॉफिट की बात करें तो पर रोल के ऊपर, यानी कि जो रेट चलता है GI वायर का और जो हमारी बारबर्ड वायर बनती है यानी कि बाढ़ की तार बनती है, उसमें जो डिफरेंस होता है वो लगभग 8 से 10 रुपए का होता है। एवरेज जो है 7 में लगा सकते हैं आप, 7 से 10 रुपए का आपका डिफरेंस होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हम एक एवरेज प्रॉफिट मान लेते हैं कि हमें 8 रुपए का एवरेज जो है इसमें प्रॉफिट आ रहा है पर किलो पे, यानी कि एक दिन की हमारी इसमें एवरेज सेल 2 टन की आराम से होती है। क्योंकि जो मेरे नोन है, मैंने देखा है उनके पास में है जो काम कर रहे हैं, तो उनकी जो सेल आती है वो 2 टन आराम से हो जाती है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपकी 1 टन सेल हो, 1.5 टन सेल हो, लेकिन 2 टन की एवरेज आपकी आराम से मेंटेन हो जाएगी। और जिस टाइम अच्छा पीक पे सीजन होता है उस टाइम 5 टन, 6 टन, 10 टन तक डेली की सेल हो जाती है। तो आपको मैं एवरेज बता रहा हूँ कि एवरेज आपकी 2 टन की सेल थोड़ा सा स्टार्टिंग के टाइम में भी कहीं नहीं गई। अब आपने जो एरिया पकड़ा है वहां पे छोटे बड़े सभी एरिया में आपको मार्केट करनी है और वहां पे जाके उनको जो है ऑर्डर लेने हैं। अब मान लीजिए एक कस्टमर ऐसा है जो 1 टन का ऑर्डर दे रहा है या 800 किलो का ऑर्डर दे रहे हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, उस रूट में जो दूसरा कस्टमर है उससे डीलिंग कीजिए,
दोनों का मिला के तो आपका 2 टन हो जाता है ना, यानी कि एक दिन का आपका एक रूट बन गया, तो 2 टन से कम का माल आप उसमें मत भेजिए। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट कैसे आएगा। 1 किलो पे आपको प्रॉफिट कितना आया? 8 रुपए। 8 रुपए में से आप निकाल दीजिए 3 रुपए आपके खर्चे। खर्चे में क्या क्या आ गया? बिजली का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सभी खर्चे आपके उसमें आ जाएंगे, और जो लेबर है उसका खर्चा, पैकिंग वगैरह का, सब खर्चे उसमें आ जाते हैं। यानी कि 5 रुपए आपको 1 किलो में प्रॉफिट आ जाएगा आराम से। जो जीआई वायर है उसका रेट होता है 45 रुपीज के अराउंड में, और जो सेल करने का आपका रेट रहता है 53-55। ये रेट अभी आज के टाइम में चल रहा है, आगे के टाइम में जो चेंज होगा, तो जैसे जीआई वायर का रेट बढ़ेगा तो उसी हिसाब से बारवुड वायर का रेट भी बढ़ जाएगा। तो अब प्रॉफिट कैसे आएगा? पर डे हमारा 5 रुपए के हिसाब से 2 टन पे हमारा कितना प्रॉफिट आया? 10,000 रुपए। 10,000 में से भी आप खर्चे और निकाल दीजिए। मान लीजिए आपका रेंट है, और आपके जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, पैकिंग का भी आपका खर्चा होगा। मैं 5,000 रुपए पर डे के निकले के चलता हूँ, ठीक है? 5,000 रुपए पर डे के प्रॉफिट के हिसाब से आपको 1 महीने में 1.5 लाख से 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आराम से आता है। और जो गत्ते वगैरह है उनके लिए भी आपको हर चीज में आपको जो मैन्युफैक्चरर है मशीन के, वो हर चीज में आपको सपोर्ट करेंगे, सारी जानकारी देंगे। और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो वीडियो में नंबर दिया हो वहां, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।